गाजियाबाद की महिला थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह औचक निरीक्षण करने थाने पहुंची। हालांकि थाने को पहले से पता था कि महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह औचक निरीक्षण के लिए आ रही है, उसके बावजूद भी वह पूरी तैयारी नहीं कर सके, जिसके कारण सुषमा सिंह थाने का निरीक्षण कर नाराज दिखाई दी। सुषमा सिंह ने थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए दो सुझाव पेटी लगाने का भी आदेश दिया और कहा कि फरियादी एक में परामर्श के लिए सुझाव दे सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर थाने की व्यवस्थाओं को लेकर भी सुझाव दिए जा सकेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे दो कर्मचारी संविदा पे हैं जिनका ऐसा बताया, पूछने पे ये बताया गया है कि 11-11 माह से उन लोगों की सैलरी पेंडिंग है और वो 2014 से शायद कार्यरत हैं। ऐसा शुरू से ही होता आ रहा है, तो मैंने अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप डीएम साहब को इस बात से अवगत कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डीएम और एसएसपी इस बात से अवगत नहीं हैं, तो अगर ऐसी समस्या है तो इसका तुरंत प्रभाव पे सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे परामर्श केंद्र के अंदर जो परिवार परामर्श केंद्र हैं, लगभग 12-13 काउंसलर यहाँ पर आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी भी अपनी कुछ सुझाव हैं जो वो देना चाहते हैं। यहाँ समय समय पर तब्दील की एक रिव्यू मीटिंग्स में उनको बैठाना चाहिए जो डीएम साहब के साथ और एसपी के साथ होती है।